नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में। और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। एक दौर था सतयुग, जहां इंसान के रूप में भगवान पाए जाते थे, और एक आज का दौर है जहां इंसान के रूप में जानवर पाए जाते हैं। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार के बेगूसराय से जो तस्वीरें सामने आई है वो हैरान करने वाली है। जहां आज 21वीं सदी में धरती से इंसानियत खत्म होती दिखाई दे रही है। देखिए ये रिपोर्ट। तो देखा आपने ये वीडियो, ये देखकर आपके जहन में ये सवाल जरूर आया होगा कि क्या दुनिया में इंसानियत खत्म हो चुकी है? कोई व्यक्ति इतना निर्दयी, निर्लज और बेरहम हो सकता है? ये घटना बेगूसराय की है, जहां एक युवक के ऊपर साइकिल चोरी का आरोप लगा, जिसके बाद गांव वालों ने बेदर्दी से युवक को जूतों से पीटा। ये लोग यही नहीं रुके, इन लोगों ने युवक से थूक चटवाया, उसके प्राइवेट पार्ट में एसिड डालने का प्रयास किया गया। आप जरा इन गांव वालों की हैवानियत देखिए। आपको बता दें, युवक के ऊपर सिर्फ चोरी का आरोप लगा था, इसके बावजूद युवक के साथ जानवरों जैसा सलूक किया गया। दरअसल बिरजू पासवान नाम के शख्स की साइकिल चोरी हो गई थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने साइकिल चोरी का आरोप लगाते हुए गांछी टोला के ही रहने वाले अभिषेक कुमार को पकड़ लिया और उसे कमरे में बंद कर दिया। इस दौरान उग्र भीड़ ने अभिषेक की जमकर पिटाई की, उस पर लात घूसे बरसाए, उठा उठा कर उसे जमीन पर पटका। मामला तब जाकर ठंडा हुआ जब इतना मार खाने के बाद युवक ने 2 दिन के अंदर साइकिल ढूंढने का वादा किया, उसके बाद भीड़ ने उसे छोड़ा। हालांकि किसी ने भी इस मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज नहीं करवाई। बहरहाल ऐसे में सवाल उठता है कि इस देश में कानून का तंत्र है या फिर भीड़ तंत्र, क्योंकि अगर किसी ने गलती की भी है तो उसको सजा देने के लिए कानून है, संविधान है। लेकिन अगर इस तरह से भीड़ ही न्यायाधीश बन जाएगी तो यह समाज के लिए एक बड़ा खतरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज़।